गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन ENGCE 101 वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर? द ट्रेनिंग ट्री. काफ़ी हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने कमली के बारे में हमें पता चला है. मथुरू का, मथुरू इज़ द फादर ऑफ कमली एंड मुन्नी, और उसने कमली और आपके तुलसी प्लांट की शादी करवाई. नो इज़ प्लानिंग टू फॉर द वेडिंग ऑफ मुन्नी एंड पीपल ट्री. उसको लगता है कि पीपल ट्री की शादी होनी चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि एक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है, एक रिचुअल है, एक संस्कार है पीपल ट्री की शादी करना. और दूसरी तरफ उसको लगता है बेटी एक बर्डन है, इसकी भी शादी करनी है. शी इज़ 13 ईयर्स ओनली. उसके कोई सपने नहीं है, बेटी को पूरा घर का काम सिखा कर ट्रेंड कर रखा है. वाइफ के लिए उसका एटीट्यूड क्या है, मैंने आपको बताया है. इन जनरल जो है वो दिखाया गया है. अमीर लोगों का गरीबों के साथ क्या एटीट्यूड है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हैं. सो आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे. शी डिडंट गो टू द हाउस. हमने कहा था क्या था, मुन्नी खेत में जाती है, पीपल से बात बात करती है. फिर उसने देखा कि जब वापस आते हुए वो देखती है कि उसके घर में कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, क्योंकि उसके इन-लॉज के घर से कुछ आने वाले थे लोग. शी डिडंट गो टू द हाउस, घर नहीं गई वो. इंस्टेड शी प्लेस्ड लोटा ऑन द स्पाइल. जो बरामदे में स्पेस बना था वहाँ उसने लोटा रखा. द स्टोन्स बॉर्डरिंग द बरामदा. स्टोन जो बॉर्डर बरामदे का उन्होंने बनाया था, कंटिन्यूड बिहाइंड द हाउस टू द वेरी फीट दैट वॉज टू बी सोल्ड फॉर मुन्नीज वेडिंग. और वहाँ से वो चलती हुई कहाँ गई, उस खेत की तरफ. खेत दिख रहा था जो उसकी शादी के लिए सेल होना था. पापू हैड ग्रोन मस्टर्ड इन इट. फादर ने उसमें सरसों लगाई थी. मस्टर्ड वॉज फ्लारिंग. क्योंकि क्यों फ्लारिंग हो रही थी, क्योंकि पीछे आपने पीपल ट्री का देखा, रेड कलर की रोशनी आ रही थी, क्योंकि न्यू लीव्स रेड कलर के और लाइट ग्रीन के उस पर आ रहे थे, है ना. तो अभी मस्टर्ड जो है वो फुल ब्लूम में थी, पूरा खेत भरा हुआ था. सो मस्टर्ड वॉज फ्लारिंग टू मुन्नी. द फील्ड सीम लाइक ए ह्यूज कारपेट ऑफ येलो फ्लावर्स स्प्रेड फार एंड वाइड, फार एंड वाइड होता. दूर तक उसको लग रहा था जैसे येलो कलर का फ्लावर्स का कारपेट है. कभी खेतों में देखना आप, जब वसंत ऋतु आएगी, जब मार्च अप्रैल में ब्लूमिंग होती है ना, मस्टर्ड जो खिलता है. सो शी मूव टू द मिडल ऑफ द फील्ड. वो खेत के बीच में गई. शी वॉज ड्रॉन टू अ लिटिल तोता पंछी, लेडी बर्ड, चंदा मामा जिसको आप बोलते हो, है ना. उसने वो तोता पंछी उठाया. सिटिंग ऑन अ फ्लावर शी पिक्ड इट अप एंड प्लेस्ड इट ऑन हर पाम. क्या करते थे जब छोटे होते थे, हम लोग भी करते थे, उसको उठा के हम उसको पूछते थे पास और फेल, ठीक है. उसको फिर इस तरह से फूंक मार के उड़ाते थे, उड़ गया तो पास, नहीं उड़ा तो फेल. हम इस तरह से करते थे जब हम स्कूल में होते थे. सभी लोग ऐसे करते हैं, आप लोग भी करते हो जो रूरल एरिया वाले बच्चे हैं. सो शी डिड द सेम. उसका कोई एग्जामिनेशन उसके माइंड में चल रहा है, किसी को पता नहीं, हमें भी पता नहीं है कि व्हाट इज शी प्लानिंग. शी वॉज ड्रॉन टू अ लिटिल तोता पंछी, अ लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन द फ्लावर. शी पिक्ड इट अप एंड प्लेस्ड इट ऑन हर पाम. हथेली पे रखा. शी शिफ्टेड इट टू द टिप ऑफ हर राइट फोर फिंगर. सीधी वाली फर्स्ट उंगली पे रखा. शी पॉइंटेड द फिंगर अप टू द स्काई एंड रिसाइटेड. आकाश की तरफ उंगली करके क्या कहा उसने, फ्लाई अवे पंछिया पास और फेल, ठीक है. द लेडी बर्ड एक्चुअली टुक विंग. टुक विंग मीन्स फ्लू अवे, उड़ गया वो. मुन्नी वॉज अमेज्ड. मुन्नी बड़ी हैरान थी. हाउ डिड इट फ्लाई, व्हाई डिड इट फ्लाई, क्यों उड़ गया, कैसे उड़ गया. शी हैड लेफ्ट द स्कूल ईयर्स अगो. सालों पहले स्कूल छोड़ दिया था. शी रिमेंबर्ड व्हेन द एग्जाम रिजल्ट्स ड्रू नियर. उसको याद थे कि एग्ज़ाम के रिजल्ट किस तरह नज़दीक आने वाले थे. हाउ विद द अदर चिल्ड्रन शी टू वुड गो इन टू द मास्टर फील्ड. कि वो उसको पुरानी यादें आ रही हैं वो, कि किस तरह से वो खेत में जाएगी, है ना. एंड शी प्लेस अ लेडी बर्ड ऑन हर फिंगर्स. अब किस तरह लेडी बर्ड फिंगर पे आके क्या कहती है, शी फ्लाई अवे पंछी अ पास और फेल. ये तो पंछी फ्लू अवे द स्टूडेंट वुड सर्टनली बी पास. उड़ गया लेडी बर्ड तो पास. एंड इफ़ इट कैप्ट ऑन सिटिंग क्वाइटली द पीपल वॉज श्योर टू फेल. बैठा रहा ना तो पक्का स्टूडेंट फेल होता था. शी डिडंट गो टू द स्कूल एनी मोर. लेकिन अब तो वो स्कूल जाती नहीं है. शी हैड नॉट टेकन एनी एग्जाम. उसने कोई एग्जाम भी नहीं दिया है. हाउ हैड द पंछी लाइट. पंछी कैसे झूठ बोल गया. कुड इट बी दैट एवरी थिंग विच वॉज हैपनिंग वॉज ऑल्सो अ टेस्ट. क्या जो चीज़ें चल रही थी उसका कोई टेस्ट था. और हाउ वुड शी पास इन इट. वो कैसे इसमें पास होगी. द डॉटर इज अ डिसाइल काउ. एक शरीफ सी सीधी सादी गाय. वेयर एवर पेरेंट्स ड्राइव हर शी गोज. जहाँ उसके पेरेंट्स उसको बांध देंगे वो चली जाएगी, ठीक है. द वेडिंग ड्रेस फ्रॉम मुनीज इन लॉज हैड अराइव्ड. शादी के कपड़े आ चुके थे. द टू अलायंस वॉज डेफिनेटली अरेंज. अब जो था वो शादी का अरेंजमेंट भी चल रहा था. ऑस्पिशियस आर फॉर द वेडिंग्स ऑफ बोथ मुन्नी एंड द पीपल हैड बीन डिटर्मिंड. पवित्र दिन जो है वो डिसाइड हो गया था. किस दिन मुन्नी की शादी है, किस दिन पीपल की है. द पीपल वुड बी मैरिड वन वीक बिफोर मुन्नी. मुन्नी की शादी से हफ्ता पहले पीपल की शादी होगी. और फादर हैड ऑलरेडी चूजन अ सुनी प्लांट टू बी द ब्राइड. एक प्लांट होता हुआ कोई सुनी प्लांट उसको दुल्हन के रूप में चुना था. जैसे तुलसी की शादी नरसिम्हा टेंपल में की थी, है ना. दीज डेज मुन्नी डिडंट इवन वेट फॉर सनराइज. आजकल मुन्नी सूर्य उदय का इंतजार नहीं करती थी. देखो चेंजेस है ना बच्चे की पर्सनैलिटी में. किसी ने नहीं ऑब्जर्व किया, ना मदर ने ना फादर ने, क्योंकि उनको तो क्या है, उनको तो उस बोझ से छुटकारा पाना है.
तो दे आर वरिड अबाउट मैरिज. समाज को दिखाना है कि हमने तो बड़ी अच्छी शादी करवाई. एज सून एज शी अवेकन, जैसे वो उठे, शी टुक वाटर एंड लेफ्ट द हाउस, उठी, पानी लिया, घर से चली गई. एंड बट शी डिडंट रिटर्न क्विकली एज बिफोर, पहले की तरह वो जल्दी वापस नहीं आती थी. शी सैट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद द पीपल, पेरेंट्स ने वो भी ऑब्जर्व नहीं किया, वो पीपल के पास बड़ी देर बैठती थी. शी गेज एट इट एंड कैरेट्स इट्स लीव्स, उसकी लीव्स को वो गले लगाती थी, हग करती थी. शी टच्ड इट्स बॉडी एंड ट्राइड टू एम्ब्रेस इट, उसको पूरे के पूरे तने को वो गले लगाने की कोशिश करती थी. दैट इवनिंग मुन्नी ओवर हर्ड बापू से, अब मुन्नी ने एक दिन फिर पापू को कुछ कहते हुए सुना. ही वुड सेटल द सेल ऑफ द फील्ड द नेक्स्ट डे, कि कल तो बस खेत बिकने वाला है. गिरधारी सर्वेंट हैड ब्रॉट सम पेपर्स फॉर बापू, बापू के लिए गिरधारी का सर्वेंट कुछ पेपर लेके आया है. विच हैड टू बी पुट इम्प्रेशन ऑफ हिज थंब, जहाँ पे उसने अंगूठा लगाना है. अनपढ़ लोग थे तो क्या होता था, जो अमीर आदमी था, जो गिरधारी था, वो उनसे खाली पेपर्स पे अंगूठा लगवाता था. मुन्नी वॉज एंक्शियस, मुन्नी आज एंक्शियस थी, परेशान थी. देर वॉज लिटल टाइम बिटवीन द नाइट एंड द मॉर्निंग, सुबह और शाम के बीच का टाइम था उसके पास, क्योंकि सुबह तो उसके फादर ने चले जाना था अंगूठा लगा के खेतों पे. शी जस्ट कुडंट स्लीप, वो सो नहीं पाई. शी हैड सीन बापू गेट अप सेवरल टाइम थ्रू आउट द नाइट, अब जिसका खेत बिक रहा था, जिसका सब कुछ जा रहा था, वो परेशान भी था, लेकिन वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसके पास वो विल पावर नहीं थी कि समाज को वो अपोज करता. ठीक है. सो अम्मा एंड बापू वर मिजरेबल एट दैट लूजिंग देयर फील्ड, अपना खेत जाने की सोच से वो बहुत बुरी हालत में थे. टुडे मुन्नी रोज बिफोर एनी वन एल्स, सबसे पहले वो उठ गई. शी क्वाइटली रिमूव द वेडिंग ड्रेस फ्रॉम द वुडन बॉक्स, लकड़ी का जो बॉक्स होता है ना, उससे अपने शादी के कपड़े निकाले. ही डिड अंडर हर दुपट्टा, अपने दुपट्टे के नीचे उनको छुपाया. शी क्विकली फिल लोटा विद वाटर एंड क्रैप्ट अवे, उसने लोटे को फिल किया और धीरे से घर से चुपचाप निकल गई. क्रीप होता है रेंगना, आराम से निकल गई. इन द डिस्टेंस द क्लाउड स्लीपिंग ऑन द हिल्स एंड वैलीज वर बीइंग फिल्ड विद द क्रिमजन रेडियंस सन वाज राइजिंग, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था, सूर्य उदय हो रहा था और जो क्लाउड्स थे वो पहाड़ों पे थे और वैलीज जो घाटियां थी उनमें थोड़ी 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 सी सूर्य की रोशनी, क्रिमजन रेड रोशनी आ रही थी. बाय द टाइम शी रीच द पीपल सन रेज हैड सेटल्ड ऑन इट्स लीव्स, जब वो पीपल के पास पहुंची ना, सूर्य की रोशनी पूरी हो चुकी थी. इट अपीयर टू हर लाइक अ रेस्प्लेंडेंट ब्राइड रूम है, मीन शाइनिंग ब्राइड रूम की तरह लग रहा था. शी वॉज अनेबल टू लुक स्ट्रेट एट इट टूडे, आज वो किसी अलग एटीट्यूड से उसकी तरफ देख रही थी. शी प्लेस द लोटा ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द ट्री, ट्री के बेस के पास उसने लोटा रखा. वेंट बिहाइंड द बुशेज, झाड़ियों में चली गई. देयर शी डॉन द न्यू वेडिंग रॉब्स, रॉब्स होता है ड्रेस, उसने अपनी शादी का जो जोड़ा था ड्रेस थी वो डाली. फोल्डेड विद देम वर अ कॉम, एक कॉम थी उसमें, कॉम होता है कंघी थी, एक मिरर था, सम बैंगल, स्मॉल बॉक्स ऑफ सिंदूर. ये चीज़ें कहाँ से पता लगी, उसने मदर को देखा था ये सारी चीज़ें करते हुए, तो उसने वो सारी चीज़ें उठाई घर से. शी हैड लर्न द वेज ऑफ मैरिड वुमन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से देखा था कि शादीशुदा लेडीज़ कैसे रहती हैं. शी वोर द बैंगल्स, कॉम्ब्ड हर हेयर, शी वॉज चार्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन इन द मिरर, उसने बैंगल्स पहने, ठीक है, अपने बालों को ठीक किया, फिर उसने अपने इमेज को जो है मिरर में देखा. शी वॉज यू नो शी फेल्ट वेरी अट्रैक्टेड, क्योंकि वो उस तरह से पहली बार तैयार हुई थी. देन शी रैप द न्यू दुपट्टा अराउंड हर सेल्फ, चारों तरफ अपने दुपट्टा लपेटा. सेटल्ड इट सो इट कवर्ड हर फोर हेड, जिससे उसका माथा जो है फोर हेड ये सारा पोर्शन जो है वो कवर हो गया. एंड वेल्ड हर फेस, चेहरे पर थोड़ा सा घूंघट भी आ गया. शी लुक्ड एट हर न्यू इमेज इन द मिरर, अब उसने जो है मिरर में अपनी इमेज देखी. मुन्नी वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वो शाय फील कर रही थी, उसको थोड़ा सा वॉट शी फेल्ट लाइक यू नो शर्माना. बट देन शी थॉट ऑफ हर फादर, सडनली उसको फादर की याद आई, हु वॉज टू गिव द पेपर्स टू गिरधारी टुडे, जिनको आज कागज़ गिरधारी को देने थे. द फील्ड वॉज टू बी सोल्ड, आज खेत बिकने वाला था. शी पैनिक्ड, वो परेशान होगी. अर्जेंटली शी बंडल्ड द मिरर, उसने फटाफट जो है मिरर को उठाया. कॉम एंड द बॉक्स ऑफ सिंदूर इन टू हर ओल्ड क्लोथ्स, उनको पुराने कपड़ों के गुच्छा बनाया. टाइड देम अप टू ए नॉट इन हर ओल्ड दुपट्टा, गांठ लगाई. नॉट होता है गांठ लगाना, और बो कैसे होता है, कैसी गांठ, जैसे फूल सा बनाते हो ना शूज़ के ऊपर, जब आप लेस से जो फीता है उससे बो बनाते हो, नॉट होता है गांठ लगाई उसने प्रॉपर. मुन्नी केम सॉफ्टली टुवर्ड्स द पीपल, धीरे से पीपल की तरफ आई. शी लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा, टुक स्टॉक, ध्यान से देखा. शी हैड अ सीक्रेट टू कीप, एक रहस्य था उसके पास. वेयर देयर वर फियर्स, कुछ डर थे, एंड अर्जेंसी, कुछ अर्जेंसी थी. शी रिमूव द बॉक्स ऑफ सिंदूर फ्रॉम द बंडल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड द ब्रांच ऑफ पीपल टूवर्ड्स हर, उसने उस बॉक्स ऑफ सिंदूर को निकाला, एक पीपल ट्री की टहनी निकाली, अपनी तरफ खींची. शी एम्प्टीड द सिंदूर बॉक्स ऑन द लीफ,
उसके जो इनिशियल वाला लीफ था ना, इस तरह से उसके ऊपर सिंदूर पलटा उसने, ठीक है, एंड फीलिंग पुलिंग इट टुवर्ड्स हर, शी फील्ड हर पार्टिंग विद द सिंदूर, अपनी जो मांग है, पार्टिंग है, जो सेपरेशन ऑफ हेयर, उसको सिंदूर से भर दिया। इट सीम टू हर द स्टेम एंड लीफ वर द हैंड्स ऑफ द ट्री, उसको लगा कि जो तना है और जो वो लीफ है वो हाथ हैं पेड़ के। एंड दे वर हर पीपल, वो उसका पीपल था। इट हैड मैरिड हर बाय सेरेमनीली फीलिंग द पार्टिंग इन हर हेयर विद सिंदूर, और सिंदूर से उसकी मांग भर के उसने प्रॉपर उससे शादी कर ली थी। शी पिक्ड अप द लोटा, उसने लोटा उठाया। हर हार्ट वॉज नॉट प्लेफुल लाइक बिफोर, उसमें सडन एक मेच्योरिटी आ गई कि अब शादी होगी तो चीज़ें बन गई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो पहले लगी थी उस पर, है ना। शी नाउ इट वॉज नॉट मेयरली ड्यूटी टू ऑफर वाटर, अब पानी डालना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी। नॉर वॉज इट अ मैटर ऑफ सिंपली ओबेइंग हर अम्मा, बापू से इंजंक्शन, बापू का ऑर्डर नहीं था, माँ की एक दी हुई एक ड्यूटी नहीं थी कि सिर्फ पानी डालना है। इट वॉज हर फेथ, उसका विश्वास था, बिलीफ, ट्राइम्फ, बिलीफ मीन्स एक विश्वास था, फेथ था, ट्राइम्फ एक विजय थी। शी थॉट ऑफ द पंछी, अब उसने जो तोता पंछी उठाया था ना, वो लेडी बर्ड, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, चंदा मामा, वो उठाया था ना, वो उसको फूक करके उड़ाया था, अब वो चीज़ क्या थी, वो सामने आ रही थी। शी थॉट ऑफ पंछी, इट सीम टू बी सेइंग, जैसे वो कह रहा था, यू हैव पास्ट मुन्नी, तुम पास होगी, शायली शर्माते हुए, मोडेस्टली, बड़ी नम्रता से, मुन्नी ऑफर्ड वाटर टू पीपल विद लव, अब उसके अंदर जो प्यार आया ना, उसने खुद को उसकी वेडेड वाइफ फील किया, तो उसने आराम से उसको पानी दिया। एंड देन शी पुट असाइड लोटा, लोटा साइड पे रखा, टच्ड हर फोर हेड टू द ट्रंक ऑफ द पीपल विद रेवरेंस, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपना माथा जो उसके ट्रंक के साथ, उसके तने के साथ लगाया। द फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ अ ब्राइड, दुल्हन का जो पहला आशीर्वाद है वो लिया। हर आइल्ड वेल्ड अप एज शी बोर्ड हर फोरहेड टू हर हस्बैंड, उसकी आंखों से पानी बह रहा था। अब उसकी जो एक लड़की की फीलिंग्स थी, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को अनबर्डन करना चाहती थी अपने बोझ से, वो बोझ नहीं कहलाना चाहती थी उनके ऊपर, उसके पास एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं थी कि वो खुद को एस्टैब्लिश कर पाती, कमा पाती, उनका हेल्प कर पाती, वो कुछ काम भी नहीं कर सकती थी, उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। उसने सोचा चलो एक ये मैं अपने पेरेंट्स को अनबर्डन करती हूँ कि मेरी वजह से उनका ज़मीन जो है वो बच जाएगी, वो नहीं जाएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ द ब्राइड, हर आइज वेल्ड अप एज शी वोड हर फॉरहेड टू हर हस्बैंड, शी गॉट अप एंड मूव्ड अवे अ लिटिल, थोड़ी सी आगे गई वो। एंड शी ओपनली गेज्ड एट द पीपल नाउ, अब जहाँ से वो देख रही थी पूरे का पूरा पीपल उसको दिख रहा था। द क्रिम्सन लाइट ऑफ द गोल्डन सन रेज हैड टर्न द ट्री वर्मेलियन, वर्मेलियन क्या क्या होता है, सिंदूर होता है जो हम कुमकुम यूज़ करते हैं, तो जो लाल रोशनी थी ना सूरज की, कभी देखना जब आप मार्च अप्रैल में नए पत्ते आते हैं ना, उस वक्त हल्के सिंदूरी पत्ते होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ जो नया नई जो स्प्राउट्स आते हैं, नई खोपले आती हैं ना पीपल की, काफ़ी लंबी, इतनी लंबी लंबी सी, वो रेड कलर की होती हैं, तो बिल्कुल सिंदूर से नहाया हुआ उसका पेड़ लग रहा था। द ग्लो वॉज रिफ्लेक्टेड विद इन हर टू, और उस शाइन को वो लड़की अपने आप में महसूस कर रही थी, वो एक विक्ट्री वाला फील था, एक ट्राइम्फ वाला फील था, एक विजयी भाव था उसका। मुन्नी टर्न्ड होमवर्ड्स, मुन्नी घर की तरफ मुड़ी, मैरिड मुन्नी, ब्राइड दुल्हन मुन्नी, मुन्नी हु हैड स्टॉक्ड हर सेल्फ फॉर हर फादर एंड देयर फील्ड, मुन्नी जिसने स्टेक होता है दाव पे लगाना, जिसने अपने आप को दाव पे लगाया था खेत के लिए, अपने फादर के लिए, टू हर मैरिज मेंट नथिंग मोर देन फीलिंग सिंदूर इन द पार्टिंग ऑफ हर हेयर, उसके लिए शादी का मतलब क्या था, सिंदूर भरना अपनी मांग में, ठीक है। शी थॉट शी हैड रिमूव्ड फ्रॉम बापू शोल्डर्स द ट्विन बर्डन ऑफ हर सेल्फ एंड द पीपल, बच्चे के दिमाग ने डिसीजन लिया ना, इट वॉज अमेजिंगली गुड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ डॉटर, कि ना मैं बोझ हूँ ना मेरा पीपल बोझ है, हमने कर ली शादी, बात खत्म होगी। शी वॉन्टेड टू रीच होम बिफोर बापू लेफ्ट, बापू के घर से निकलने से पहले उसे घर पहुँचना था। शी केम टू द स्टैंड स्टिल एट द पैरापिट ऑफ द यार्ड, यार्ड के पैरापिट पे वो एकदम से रुक गई। बापू वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउस कफिंग, हंसते हुए उसके फादर बाहर आ रहे थे। ही वॉज टोटली ब्रोकन, ही वॉज टोटली शैटर्ड, पूरी तरह से उदास थे, क्योंकि आज खेत का वो हिस्सा भी जा रहा था जिससे वो साल भर अनाज खाते थे, ठीक है। अ क्लोथ बैग हंग फ्रॉम वन शोल्डर ऑन विच ही हैड रैप्ड अ पट्टू, एक कपड़े का बैग था ऊपर से पट्टू रैप किया था, लपेटा था। ही हेल्ड द स्टिक इन हिज राइट हैंड एंड पैकेज ऑफ पेपर्स इन हिज लेफ्ट, पेपर्स का बंडल जो है लेफ्ट हैंड में था और राइट हैंड में थी क्या थी, स्टिक थी। एज ही क्रॉस द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, दहलीज, जैसे ही दरवाजे की दहलीज क्रॉस की, आई सडनली फेल ऑन मुन्नी, उनकी आंखें मुन्नी की तरफ गई। ही स्टॉप्ड एब्रप्टली, वो एकदम से रुक गए, सडनली, एब्रप्टली मीन सडनली। हु वॉज दिस गर्ल, लड़की कौन थी। शी हैड कम ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो दुल्हन के रूप में आ रही थी, बट ही कुड नॉट प्लेस हर, वो अपनी बेटी को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे।
अम्मा टू हैड कम आउट ऑफ द हाउस, माँ भी बाहर आ गई घर से, शी स्टूड बिहाइंड बापू, बापू के पीछे वो खड़ी थी, बापू मूव्ड फॉरवर्ड, बापू जैसे आगे बढ़े शायली फेयरफुली, डरते हुए शर्माते हुए, मुन्नी इंस्ट टूवर्ड्स हिम, धीरे धीरे मुन्नी जो ब्राइड की ड्रेस में उनकी तरफ चलने लगी, दे केम फेस टू फेस, उनका एक दूसरे के साथ से सामना हुआ, एज सून एज बापू रिकोगनाइज हर, जैसे ही बापू ने उसे रिकोगनाइज किया, द ग्राउंड बीनीथ हिज फीट बिगन टू शेक, मान लो ज़मीन पूरी उनके पाँव के नीचे से खिसक गई, उनको लगा अरे बेटी ने तो बहुत गलत काम कर दिया, पता नहीं कहाँ शादी करके आ गई, द हेवन सीम टू ब्रेक, ऐसा लगा आसमान टूट पड़ेगा, हिज ब्रेथ वॉज स्ट्रक समवेयर इन हिज थ्रोट, सांस मानो गले में अटक गई कहीं से, बिफोर ही कुड मास्टर वर्ड्स, इससे पहले वो शब्द निकाल पाते ना, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कर पाते, स्क्रीम चिल्लाते या शाउट करते, मुन्नी फेल एट हिज फीट विद अ न्यू फाउंड पॉइस, मुन्नी उनके पाँव पे गिर गई और एक सेटिस्फेक्शन थी उसके चेहरे पे, बापू आई एम मैरिड, कि मैंने शादी कर लिया, द बंडल ऑफ पेपर्स फेल फ्रॉम द मथुरूज हैंड, मथुरू के हाथों से वो बंडल जो है वो गिर गया, ओपन एंडिंग है स्टोरी की, हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, बट इट शोज द एटीट्यूड ऑफ अ गर्ल टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बेटी किस तरह से कर सकती है, इट वॉज हर अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर बींग, कि उसको एक बर्डन कंसिडर किया गया है तो उसको अपने पेरेंट्स को अनबर्डन कैसे करना है, उसको उस खेत को कैसे बचाना है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स जिंदा हैं, वो खेत उसको चाहिए हर कीमत पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा खेत, वो कैसे बचाएगी, विद द हेल्प ऑफ, कैसे बचाया उसने, शी मैरिड, शी गॉट मैरिड, पेरेंट्स को भी उसने इंसल्ट नहीं किया, शी मैरिड द पीपल ट्री, पीपल ट्री की शादी भी नहीं होगी और मुन्नी की भी नहीं होगी और उनका खेत भी बच जाएगा, सो दिस वेरी स्टोरी डेल्ट विद द एटीट्यूड ऑफ अ गर्ल, अ पहाड़ी गर्ल टुवर्ड्स आर पेरेंट्स और एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर डॉटर, इसमें जो इसके जो कुछ एक क्वेश्चन हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने उनको प्रिपेयर करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने साथ में करना है, ठीक है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपको नहीं आते आप नहीं करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू डू, हाउ डज मथुरू अर्न हिज लिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन वॉट डज मुन्नी अंडरस्टैंड बाय मैरिज, डू यू थिंक मथुरू वॉज राइट टू मॉर्टगेज हिज लैंड, एंड वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल, डज शी डू, वॉट डज शी डू इंस्टेड, एंड लेंथी क्वेश्चन में आएगा आपका, हाउ फॉर इलिटरेसी एंड सोशल प्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मथुरूज सिचुएशन, कैरेक्टर स्केच ऑफ अम्मा इंक्लूड होगा इसमें, बीच में आ जाता है, एंड वॉट आर यू योर व्यूज ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, इसमें जो आपका ए और सी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का ए और सी पार्ट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने समरी 100% प्रिपेयर करनी है, कुछ नहीं आता इन तीनों क्वेश्चन में से ना, तो जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए कर रहे हैं वो समरी प्रिपेयर करेंगे और उसको लिख देंगे, सो गुड डे।